हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एसएसबी क्रैक में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बोइंग CH-47 चिनूक की, जो फाइनली इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट हो चुका है, और जानेंगे इस बेहतरीन हैवी फिट हेलीकॉप्टर के कुछ फीचर्स को। आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन इससे पहले सब्सक्राइब कीजिए एसएसबी क्रैक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे वीडियोस सबसे पहले देख सकें। भारतीय वायुसेना ने 25 मार्च 2019 को चिनूक CH-47 हेलीकॉप्टर को फाइनली इंडक्ट कर लिया है। भारत ने चिनूक हेलीकॉप्टर का निर्माण करने वाली अमेरिका की बोइंग कंपनी से कुल 15 हेलीकॉप्टर खरीदे हैं, जिनमें से पहले बैच में 4 भारतीय वायुसेना को सौंप दिए गए हैं। अभी फिलहाल 4 चिनूक CH-57 को 126 हेलीकॉप्टर फ्लाइट स्क्वाड्रन में इंडक्ट किया गया है, जो कि चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन में बेस्ड है। ये सेम क्वाड्रन, जिसे फेदरवेट्स भी बोलते हैं, इसके पास MI-26 जैसे हैवी लिफ्ट कार्गो हेलीकॉप्टर्स भी हैं। अपनी अद्वितीय क्षमता के कारण चिनूक एक गेम चेंजर एयरक्राफ्ट है, क्योंकि इसे दिन या रात कभी भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। चिनूक को सैनिक कार्रवाई के अलावा राहत कार्यों के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकेगा, क्योंकि ये एक बार में 9.5 टन भार उठा सकता है, जो वाकई काफी ज्यादा है। चिनूक हेलीकॉप्टर में कुल 2 इंजन लगाए गए हैं और इसे 2 पायलट उड़ाते हैं। वहीं इसके अलावा एक फ्लाइट इंजीनियर भी साथ चलता है। इसके भीतर 54 सैनिकों के बैठने की क्षमता है, और इन 54 कुर्सियों को राहत कार्यों के दौरान स्ट्रेचर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। चिनूक हेलीकॉप्टर में नाइट विजन ग्लास और आगे एक शक्तिशाली लाइट लगाई गई है, ताकि इसे रात को आसानी से उतारा जा सके। इस हेलीकॉप्टर को ढलान पर भी उतारा जा सकता है, और बोइंग ने भारत के कुल 12 पायलटों को अमेरिका के फिलाडेल्फिया में इस हेलीकॉप्टर को 4 महीने तक उड़ान भरने का प्रशिक्षण दिया है। चिनूक हेलीकॉप्टर को 3 7.62mm मशीन गन और मिनी गन से लैस किया जा सकता है। इसके अलावा युद्ध से जुड़े कई भारी उपकरण जैसे आर्टिलरी, सेना के जवान उपकरण और दूसरी आपूर्ति भी इस हेलीकॉप्टर के जरिए की जा सकती है। भारतीय सेना के मॉडर्नाइजेशन के तहत खरीदे जा रहे 15 चिनूक CH-47F हेलीकॉप्टर और 22 अपाची अटैक हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना को अद्वितीय और संपूर्ण सामरिक क्षमता प्रदान करेंगे, बल्कि इससे राहत कार्यों में भी तेजी आएगी। गौरतलब है कि अपाची अटैक हेलीकॉप्टर की आपूर्ति भी इस साल सितंबर माह से शुरू हो जाएगी। इन हेलीकॉप्टरों को पठानकोट में तैनात किया जाएगा। चिनूक के आ जाने से इंडियन एयरफोर्स की हैवी लिफ्ट कैपेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ गई है। इन हेलीकॉप्टर से इंडियन आर्मी को हैवी वेपन्स जैसे आर्टिलरी गन्स, व्हीकल्स और दूसरे हैवी लोड्स इंडियन एयरफोर्स आसानी से पहुंचा देगा। हम दोनों को तो सिर्फ इतना समझना चाहिए कि चमन में इख्तलाते रंगों बू से बात बनती है। हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। वाह वाह मेजर साहब, हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। वाह। हम आशा करते हैं आप में से कई यंग एस्पिरेंट्स एक दिन इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करके चिनूक को हवाई सैर पे ले जाएंगे। इस वीडियो में तो इतना ही। आई विल सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। जय हिंद। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप डिफेंस एग्जाम्स और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप हमारी वेबसाइट से फ्री स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।